हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गुडसेफ टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले संक्रमण को कम करता है और उन्हें खत्म करता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस है, क्या इसकी इंट्रेक्शन है, क्या इसकी डोज है और किस किस नाम से यह टेबलेट हमें मार्केट में मिल जाती है और कौन से संक्रमण को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और कौन से संक्रमण में यह टेबलेट काम नहीं करती है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गुडसेफ टेबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। गुडसेफ टैबलेट के बारे में बात करते हैं, मैनकाइंड फार्मा कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो सेफोडोक्सिन प्रोक्सीटिव इसमें कंपोजिशन दिया होता है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो यह हमें 50 mg, 100 mg और 200 mg स्ट्रेंथ में मिल जाती है और 10 टैबलेट्स की स्ट्रिप आती है। इसमें सेफोडोक्सिन एक जेनरिक नाम है, यानी कि कंपोजिशन यानी कि साल्ट का नाम है। जब भी आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर इस टैबलेट को खरीदने जाते हैं तो आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की आवश्यकता होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओपोक्स टैबलेट, जीपोर्ट टैबलेट, बैक्टोगार्ड टैबलेट, ऑक्सीपोर्ट टैबलेट, डोक्सेफ टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है। इन नाम से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। एक ही बात है, एक ही कंपोजिशन है, सिर्फ कंपनी और MRP का फर्क है। इनमें से जो आपको रेट के हिसाब से ठीक लगे आप वो खरीद सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेफोडोक्सिम क्या है। सेफोडोक्सिम एक सेफलोसोफ्रीन समूह की एक एंटीबायोटिक दवा है। यह बैक्टीरिया से उत्पन्न संक्रमण को कम करता है और उसे खत्म करता है। सेफोडोक्सिम उन्हीं बीमारियों को ठीक कर पाता है जो बैक्टीरिया से उत्पन्न होते हैं। यदि सेफोडोक्सिम का इस्तेमाल वायरल फीवर, कॉमन फीवर या वायरस और फंगस से उत्पन्न संक्रमण में करते हैं तो सेफोडोक्सिम उन संक्रमण को ठीक नहीं कर पाती है। अब हम बात कर लेते हैं सेफोडोक्सिम टैबलेट काम कैसे करती है। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर के रक्षात्मक कवच को मजबूती प्रदान करता है और बैड बैक्टीरिया हमारे पूरे शरीर में संक्रमण पैदा करता है। सेफोडोक्सिम उस बैड बैक्टीरिया को पहचान कर उस बैड बैक्टीरिया के सेल को बाधित करता है जो प्रोटीन से बने होते हैं। बैड बैक्टीरिया के सेल वॉल खत्म होने के बाद वह बैक्टीरिया मर जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। सेफोडोक्सिम एक थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है जो सेफलोसोप्रीन ग्रुप की एक दवा है। सेफोडोक्सिम सभी प्रकार के बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है। यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ साथ में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी रोकता है और उनको मारने में सक्षम है। अब हम बात कर लेते हैं सेफोडोक्सिम टैबलेट के यूजेज के बारे में, किन किन बीमारी को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। सेफोडोक्सिम एक एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक का मुख्यतः उपयोग बैक्टीरिया से उत्पन्न बीमारियों में ही किया जाता है। बात करें तो टोन्सिलाइटिस में इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। टोन्सिलाइटिस निमोनिया के द्वारा होने वाली संक्रमण है। इस संक्रमण में टोन्सिल में सूजन आ जाती है जिसके कारण गले में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस संक्रमण को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा सेफोडोक्सिम टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो फेरेंजाइटिस में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। यह संक्रमण भी स्टैफिलोकस निमोनिया के कारण होता है। इसमें हमारे थ्रोट में संक्रमण पैदा हो जाता है और उनमें सूजन आ जाती है। तो इस संक्रमण को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा सेफोडोक्सिम टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो ब्रोंकाइटिस में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। ब्रोंकाइटिस फेफड़ों में बड़ी श्वास नलियों के भीतरी भाग जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है की सूजन के कारण सामान्य से अधिक बलगम बनता है। इससे फेफड़ों में वायु प्रवाह रुक जाता है और फेफड़े क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो ब्रोंकाइटिस के इलाज में डॉक्टर के द्वारा सेफोडोक्सिम टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो कान के इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। पेट के इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। त्वचा के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो साइनस में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। फेफड़ों के इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को एलर्जी हो जाती है तब भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। निमोनिया में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो फूड पॉइजनिंग में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है।
तो फ्रेंड्स ये इस टैबलेट के यूजेज के बारे में जानकारी थी। हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब हम यूजेज जानने के बाद इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति इस टैबलेट को यूज करता है तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स उसे देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो पेट में मरोड़ का महसूस होना, स्किन पर लाल चकत्ते व निशान पड़ना, मुंह में छाले होना, मुंह का स्वाद बदलना, जी मिचलाना, उलझन होना, नींद आना, चक्कर आना, किडनी पर असर होना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये या इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम इसकी इंट्रैक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी दवाओं के साथ इस टैबलेट का प्रयोग ना करें। एल्कोहल के साथ आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। एल्प्राजोलम टैबलेट, कार्बामाजेपिन, एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ये कुछ मेडिसिन हैं, इनके साथ आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने यूज किया तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिले या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट को लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस कंपोजिशन के प्रति हाइपर सेंसिटिव है तो आप इस टैबलेट का यूज ना करें। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग या प्रेग्नेंट महिला है तो भी आप इस टैबलेट का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आप कोई विटामिन ले रहे हैं तो आप इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आप एल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो एल्कोहल के साथ आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो आप इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब वीडियो के लास्ट में हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेडिसिन की डोज हमेशा ही पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसको प्रॉब्लम है, इन तीनों चीजों को कैलकुलेट करके दी जाती है। वैसे इसकी जो नॉर्मल डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप इसकी एक टैबलेट दिन में ले सकते हैं और ज़्यादा ज़रूरत होने पर आप इसकी दो टैबलेट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सुबह और शाम। और इस टैबलेट को हमेशा ही आपने खाना खाने के बाद लेना है और 3 से 5 दिन तक इस टैबलेट को लिया जा सकता है। 3 से 5 दिनों के अंदर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। अगर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ये गुड सेफ टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।